भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने बड़ौत तहसील के कोताना रोड पर जाम लगाते हुए चीन के पुतले का दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि चीन द्वारा भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया हुआ है, उसे तुरंत मुक्त किया जाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगने वाले वीजा को तुरंत समाप्त किया जाए ताकि वहां तीर्थ पर जाने वाले भारतीयों को राहत मिल सके। वहीं चीन से आयात होने वाले सभी सामानों पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाए। वक्ताओं का यह भी कहना था कि चीन द्वारा 57 वर्ष पूर्व धोखे से भारत के हजारों किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया था। चीन ने जम्मू कश्मीर के हजारों पर किलोमीटर की जमीन को भी कब्जा लिया है। चीन से आसाई चीन कहते हैं। कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की कि चीन के सभी सामानों पर प्रतिबंध लगाते हुए चीन पर दबाव बनाएं ताकि वह कब्जाए गए भारतीय भूभाग को तुरंत मुक्त कर सके। मैं राजन जैन और भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत का युवा विभाग का प्रांतीय अध्यक्ष। आज 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष पर चीन द्वारा कब्जाए गए भारत भूभाग को मुक्त कराने के लिए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को चीन द्वारा वीजा मुक्त कराए जाए, चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमने आज चीन का पुतला फूंका है और अपनी भारत सरकार से निवेदन किया है कि जो अपना अपना 52 साल पुराना जो एक हमारी भूलवश जो है, जो अपना भारत का हिस्सा चीन ने कब्जाया हुआ है, जिसको हम चाहते हैं कि वह तिब्बत को वापस मिले।